नमस्कार दोस्तों, कांतास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कच्चे पपीते के लच्छे बनाना बताती हूँ, जो सलाद के रूप में हम लोग खाते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो जो आपको पसंद आए हो, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको पपीते के लच्छे बनाना बताती हूँ, जो एक तरह से सलाद ही होते हैं। ये मैंने आधा किलो पपीता लिया, उसको घिया कस कस के इस तरह से इसके लंबे लच्छे बना दिए। इसके अंदर मैं थोड़े मीठे नीम के बारीक पीस कर लिए, काट के कटिंग करके इस तरह करिए मीठे नीम को, क्योंकि बच्चे वैसे निकाल देते हैं, तो मैं बारीक काट के डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा। हरी मिर्ची लिए, 3 पीस हरी मिर्ची लिए, जिसको मैंने इस तरह बारीक काट के तैयार करी। 1 इंची करीबन अदरक लिया, इसको भी मैंने बारीक कस के तैयार किया है। और हरा धनिया, सेंधा नमक इसलिए डाल रही हूँ कि सेगारी में भी हम लोग ये बना के खा सकते हैं। और 1 नींबू का रस डालूंगी। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच में तेल डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ। देखिए, ये मस्टर्ड सीड डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये थोड़े से तिल दे रही हूँ, तिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। करीब 1/2 चम्मच आप दे दीजिए छोटी, बस अपना हो गया। अब मैं इसमें पहले ये अदरक डाल देती हूँ, ये हरी मिर्च डाल देंगे, आपको जैसा टेस्ट चाहिए उसी हिसाब से हरी मिर्च डालिएगा। हरी मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी, जो इसके अंदर पक जाएगी तो इससे कलर अच्छा आएगा। अब मैं ये जो पपीते के लच्छे किए ना तैयार, ये इसमें डाल देती हूँ। छोटी 1 चम्मच ये नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। और जो मैंने मीठे नीम काटे थे बारीक बारीक, वो मैं इसमें दे रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये बुनकारी बहुत। अब मैं ये देखिए नींबू का रस दे रही हूँ, आपको पसंद हो तो 1 दे दीजिए, आपको कम पसंद हो तो आप 1/2 नींबू का रस दीजिए अपने टेस्ट के अनुसार। इसमें हल्की सी मैं चीनी भी दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, 1/2 टेबल स्पून से भी कम। अब मैं ये हरा धनिया भी इसमें दे देती हूँ, हरा धनिया आप अच्छे से दे दीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा सलाद बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें लास्ट में भी नींबू दे रही हूँ, गैस मैंने बंद कर दिया है, बस हमारा ये तैयार हो गया।